दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के घर में अब्दुल रोजिक इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट है जो कि घर के अंदर कभी भी थकने का नाम नहीं लेते। जी हां दोस्तों, वो हर पल अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और उनकी जो हरकतें होती है वो वाकई काफी प्यारी होती है, जिन्हें देखकर कोई भी हंस देगा। और इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में भी कुछ ऐसा ही सीन वो घर के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर करने को कुछ भी नहीं था तो अब्दुल रोजिक को कुछ शरारत सूझी। और इस दौरान गार्डन एरिया के जो काउच है उस पर प्रियंका चौधरी लेटी हुई थी और प्रियंका को काफ़ी गहरी नींद भी आई हुई थी, लेकिन अब्दुल रोजी को ये देखकर काफ़ी बुरा लगा। अब्दुल को लगा कि बिग बॉस कुछ ही देर में कुकड़ू को बजा देंगे, लेकिन काफ़ी देर तक जब बिग बॉस ने कुकड़ू को नहीं बजाया तो अब्दुल रोजिक धीरे से चुपके से प्रियंका के पास में आए और उसके कान के पास में आकर जोर जोर से कुकड़ू को चिल्लाने लगे। ये देखकर अचानक से प्रियंका काफ़ी घबरा गई, लेकिन इसके बाद में प्रियंका को जब ये पता चला कि ये सब कुछ अब्दुल कर रहा है तो प्रियंका ने अपना तकिया निकाला और अब्दुल रोजिक की पिटाई करना शुरू कर दी, जो कि सीन देखने में वाकई काफ़ी फनी था। हालांकि दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब अब्दुल ये घर के अंदर ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो अर्चना के साथ भी सुबह के समय कुछ ऐसा ही कर रहे थे और अर्चना को सोने भी नहीं दे रहे थे। कुल मिलाकर अब्दुल रोजिक वाकई फैंस को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिलहाल आपको अब्दुल का ये सीन कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी अब्दुल रोजिक के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें।